एवरीवन, आज हम देखेंगे, आज का जो हमारा वीडियो है वो है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग को हम क्या कहते हैं, खून का जमना, या फिर क्या कहते हैं, थक्का। क्या बोलते हैं? थक्का। तो देखिए, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज कॉल्ड कैस्केडिंग प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होती है, अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि ब्लड का जमना कौन सी प्रोसेस कहलाती है, उस प्रोसेस का नाम है कैस्केडिंग प्रोसेस। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज नॉन एज कैस्केडिंग प्रोसेस। तो क्या होती है कैस्केडिंग प्रोसेस? ब्लड का जमना या थक्का जमना इज नॉन एज कैस्केडिंग प्रोसेस। और ब्लड को जमने में कम से कम 4 मिनट का समय तो लगता ही है। कितना लगता है? 4 मिनट का समय तो लगेगा ही लगेगा खून के थक्के को जमने में। तो देखिए, इसके ये कुछ 4 स्टेप में मैंने इसकी कुछ प्रोसेस लिखी हुई है, तो आज आपको एक्सप्लेन करती हुई है जो स्टेप्स हैं। पहला आता है हमारा थ्रम्बोसाइट, जिसको हम कहते हैं प्लेटिलेट्स। क्या बोलते हैं? प्लेटिलेट्स कहते हैं थ्रम्बोसाइट्स को। अभी हमने इससे पहले वीडियो में प्लेटिलेट्स पढ़ा था कि प्लेटिलेट्स का नाम क्या था? थ्रम्बोसाइट्स था। तो देखिए, जब प्लेटिलेट्स काउंट जब हवा में कॉन्टेक्ट करता है, जब हवा के संपर्क में आता है, तो क्या बनाता है? वो थ्रम्बोप्लास्टिन बनाता है। क्या बनाता है? थ्रम्बोप्लास्टिन बनाता है। जब ये थ्रम्बोप्लास्टिन में कैल्शियम और प्रोथ्रम्बिन क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, अब यहाँ क्या मिल गया हमें, इसमें एयर मिक्स हो गई है, तो क्या बना दिया इसने? थ्रम्बोप्लास्टिन बना दिया। अब ये थ्रम्बोप्लास्टिन में कैल्शियम और प्रोथ्रम्बिन जब एक्टिव होगा तो क्या बनाएगा? थ्रोम्बिन बनाएगा। क्या बनाएगा? थ्रोम्बिन बनाएगा। और थ्रोम्बिन का जब हम ये फाइब्रिनोजेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जब हमने प्लाज्मा में पढ़ा हुआ था फाइब्रिनोजेन, तो क्या होता है, ये थ्रोम्बिन में जब फाइब्रिनोजेन मिलता है तो क्या बनाता है? फाइबिन बनाता है। फाइबिन के बाद में जब फाइबिन क्या होता है, एक जाली टाइप का स्ट्रक्चर होता है, छन्नी होती है ना, जाली टाइप का स्ट्रक्चर, वैसे ही क्या होता है? फाइबिन होता है। और ये जाली टाइप के स्ट्रक्चर में देखिए, कुछ कुछ चीजें निकल नहीं सकती है, ऊपर जाली में फंसी रही जाएगी। तो यहाँ क्या मिल गया हमें? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटिलेट्स। अब ये जाली में से निकल नहीं सकते हैं, तो क्या होगा, ये ब्लड यहाँ पे हमारा रुक जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, पपड़ी जम जाएगी। एक आपने देखा होगा, जब भी कहीं कुछ चोट लगती है तो ऊपर से ब्लैक कलर की पपड़ी आने लगती है। पहले तो वो पपड़ी हल्की सी रेडिश कलर की रहेगी, क्योंकि उसमें ये सब मिक्स है फाइब्रिन, जाली टाइप, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी की वजह से। तो जो पपड़ी है ना, वो थोड़ी सी जम जाएगी, अगर आप उसको निकाल दोगे तो फिर से ब्लड बहना शुरू हो जाएगा, क्लॉटिंग हट जाएगी और ब्लड बहना शुरू हो जाएगा, तो थक्का नहीं जम पाएगा। फिर उसको कम से कम 4 मिनट का समय लगेगा अगेन ये सारी प्रोसेस होने में, फिर जाके पपड़ी जमेगी। पपड़ी जमेगी, आप कुछ टाइम बाद उस पपड़ी को देखोगे तो वो ब्लैक कलर की हो जाएगी, और फिर आपका जो घाव है वो सूख जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है हमारी क्लॉटिंग की, ब्लड क्लॉटिंग की, कि रक्त का थक्का किस किस स्टेप से होके गुजरता है और कब हमारी क्लॉटिंग बंद होती है, किस तरीके से होती है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।